अब सिलसिला क्या है कि हमें एक कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन FRF7 के अंदर दिया जाएगा, जिसका पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज स्टार्ट करवा रहा हूं। होगा क्या कि वील बी प्रोवाइडेड विद अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या चीज होती है कि जब हम बचपन से अकाउंटिंग पढ़ रहे थे कि कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो उसका डे बुक में उसकी रिकॉर्डिंग होती है, डे बुक के बाद हम उसको जनरल लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं, तो जनरल लेजर में वी गेट टी शेप अकाउंट्स। टी अकाउंट्स होते हैं 6 तरह के टोटल, जिसको हम कहते हैं ऑल्सर, एंड सी एक एक्स्ट्रा आता है। ऑल्सर में हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं वो आएंगे, जितने भी हमारे ऊपर लायबिलिटीज हैं वो आएंगी, और जितना भी हमारा कैपिटल है यानी इक्विटी अकाउंट्स हैं वो आएंगे, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी रेवेन्यूज हैं, या कॉन्ट्रा टू एसेट्स जिसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट जैसे अकाउंट्स आते हैं। अच्छा, क्लोजिंग की जाएगी। अब होगा क्या कि आपको जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस प्रोवाइडेड होगा उसके अंदर आपको तमाम तरह डिटेल्स दी जाएंगी, लेकिन कुछ अकाउंट्स आपको ओपनिंग दिए जाएंगे और जिसके नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी एक क्वेश्चन है प्राइस वेल के नाम से, हमारी क्वेश्चन बैंक के अंदर एग्जाम किट के अंदर है। ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स कौन कौन से हैं पहले इसको देखते हैं। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस रिलेट्स टू प्राइस वेल एट 31st March 20x9। ठीक है, 31 मार्च 20x9 का ट्रायल बैलेंस है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, नेचर क्या है, एक एसेट है। एट वैल्यूएशन एट 31st March 20x8, आज से एक साल पहले इसको रिवैल्यू किया गया है, और आज से एक साल पहले इसकी मार्केट वैल्यू थी 25,200,000। उसके बाद प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये अपनी कॉस्ट पे मौजूद है, 46,800,000। राइट ऑफ यूज एसेट्स IFRS 16, आप लोगों को याद है लीजेस, राइट ऑफ यूज एसेट्स एट कॉस्ट, ये भी रिकॉर्डेड है $20 million का। उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, वो भी 31 मार्च 20x8 की है। याद रहे इसके अंदर इस साल की कोई भी डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। ओन्ड प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो ये दूसरा अकाउंट था प्लांट एंड इक्विपमेंट का, कॉस्ट पे मौजूद है, और इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,800 गिवन है। राइट ऑफ यूज की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5 million है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन इसने हमें दी ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 31 मार्च 20x8 पे तो ये रिवैल्यू हुआ था, और रिवैल्यूएशन का उसूल क्या है कि जब जब एसेट रिवैल्यू होगा, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, ऑल इट्स अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मस्ट बी सेट टू जीरो। ठीक है, तो इसकी तब की डेप्रिसिएशन तो जीरो कर दी थी, लेकिन रिवैल्यूएशन के बाद जो एक साल गुजरा है हमें उसको डेप्रिशिएट करना है। अच्छा, अब उसके बाद सीन क्या आता है, लीज पेमेंट। सिर्फ और सिर्फ क्या है, लीज पेमेंट है, पेड ऑन 31 मार्च 20x9, एरियर में अभी साल के आखिर में हमने पे किए 6,000। हालांकि लीज पेमेंट को हम अपना एक्सपेंस नहीं मानते हैं, अमोर्टाइजेशन टेबल बना के लीज पेमेंट को हम तोड़ते हैं दो हिस्सों में। ठीक है, एक उसका हिस्सा बनता है इंटरेस्ट और दूसरा बनता है सीआरपी, जो कि भाईजान ने नहीं बनाया और एग्जामिनर ने हमारे गले में डाल दिया। लीज लायबिलिटी 1st April 20x8 की है, यानी एक साल पुरानी है। एक साल पहले हमारे ऊपर लीज लायबिलिटी थी 15,600 की। कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर एसेट में लिखा हुआ है 14,300। कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर का मकसद IFRS 15 है, ये हमने 5-step model भी पढ़ा था, और इसमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का एरिया भी हमने कवर कर लिया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर IFRS 15
यानी रेवेन्यू विथ कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर्स भी आ गया एंड IFRS 16 लीजेस भी आ गया है. इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू कब की दी है? 31 मार्च 2008 की, यानी ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है. ट्रेड रिसीवेबल्स बैंक बैलेंस डेबिट पे है. ट्रेड पेएबल्स आप समझते हैं, रेवेन्यू पे नोट नंबर 3 है. कॉस्ट ऑफ सेल्स है डेबिट पे. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट गिवन है. एडमिन एक्सपेंसेस है. इक्विटी डिविडेंड्स है. इक्विटी डिविडेंड्स पेड है, ठीक है, पेड है. ये कभी भी एक्सपेंस नहीं माने जाते, इनको हमेशा रिटेन अर्निंग्स में से माइनस किया जाता है. ओके, इसकी हर शेयर की वैल्यू पार वैल्यू 50 सेंट्स है. इसका मकसद क्या, आप नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू कब की गिवन है? 31 मार्च 2008 की गिवन है, यानी ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स है. इसमें इस साल का प्रॉफिट भी शामिल नहीं और इस साल के डिविडेंड्स भी इसमें से डिडक्टेड नहीं. उसके बाद करंट टैक्स है. करंट टैक्स आपको पता है ये पिछले साल का अंडर या ओवर प्रोविजन होता है. और डेफर्ड टैक्स क्रेडिट पे है, यानी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है. ये हमने ट्रायल बैलेंस को रीड कर लिया. अब हम इसकी नोट्स की तरफ आएंगे और सॉल्व करते चलेंगे. पहला नोट देखो क्या कह रहा है. द 15 ईयर लीज होल्ड प्रॉपर्टी वॉज अक्वायर्ड ऑन 1st April 2008 एट कॉस्ट ऑफ $30 million. द अकाउंटिंग पॉलिसी इज टू रीवैल्यू द प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड. द वैल्यूएशन इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ 25.2 मिलियन एज एट 31st March 2008 लेट टू एन इंपेयरमेंट चार्ज ऑफ $2.8 million. ये देखें, हमने प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड किस पे किया हुआ है? 25.2 मिलियन पे. कहता है ये डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ था. इंपेयरमेंट चार्ज थी कितनी? $2.8 million, विच वॉज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लास्ट ईयर. एट 31st March 2009 द प्रॉपर्टी वॉज वैल्यूड एट $24.9 million. ओके, पहले इसको निपटाते हैं. आपने इसको कब खरीदा था? 1st April 2008 पे. कितने साल की लीज है? 15 ईयर की लीज होल्ड प्रॉपर्टी है. तो हम इसको अगर डेप्रिशिएट करना चाहें तो 30 मिलियन को डेप्रिशिएट करेंगे 15 से, डिवाइड करेंगे 15 से. हर साल ये डेप्रिशिएट होगा 2 मिलियन से प्रोबेबली. अच्छा, अभी मुझे आप पहले ये काउंट करके बताएं कि आज से एक साल पहले तक इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी होगी. आज से एक साल पहले तक इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी होगी? क्वेश्चन की तरफ आते हैं. 1st April 2007
तो पहला साल होगा 31st March 2008 और दूसरा साल होगा 31st March 2009। फिर तो आप लोगों ने कहा कि इसको एक साल गुजर चुका था, हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के लिए देख रहे हैं, हमारा ये शायद करने का काम नहीं है। हमने इसको खरीदा कितने में था, क्वेश्चन में लिखा है हमने इसको 30 मिलियन में खरीदा था 15 साल के लिए, तो इसकी कॉस्ट थी 30 मिलियन, डेप्रिसिएशन होगी 30 मिलियन डिवाइड बाय 15 इयर्स, ये मैंने माइनस में रख दिया, तो 30 में से 2 गए, इसकी नेट बुक वैल्यू थी 28 मिलियन। अच्छा, क्वेश्चन ने वाजे किया था कि इसकी मार्केट वैल्यू थी 25.5 मिलियन, सॉरी 25.2 मिलियन। तो हम इसमें इंपेयरमेंट कैलकुलेट करें तो 28 मिलियन वाली चीज अगर 25.2 मिलियन पे आ जाए तो इंपेयरमेंट कितनी हो रही है 28 मिलियन। वी जस्ट प्रूव्ड इट, जो कि हमारे करने की जरूरत नहीं थी जब उसने हमें दे ही दी थी। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो उसने हमें बता दिया था। अब इसकी फेयर वैल्यू हमें गिवन है 25.2 मिलियन, आप मुझे बताएं कि इस साल इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी। ओके, तो डेप्रिसिएशन आपने मुझे बताई 1800 की, और अगर हम उसकी फेयर वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं 25.52 मिलियन में से 1800 की डेप्रिसिएशन हमने माइनस की, तो इसकी नेट बुक वैल्यू आ गई 23,400। कि आपकी जो फेयर वैल्यू है वो है 24.9 मिलियन, तो इसकी नेट बुक वैल्यू है 23.4 मिलियन और फेयर वैल्यू है 24.9 मिलियन। अपवर्ड रिवैल्यूएशन है या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है? तेईस 400 से 24,900 है, करेक्ट, अपवर्ड रिवैल्यू हुआ है। कितने से? 1500 से। क्या ये 1500 का गेन रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा? रिपीटिंग द क्वेश्चन, क्या ये 1500 का गेन रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा या प्रॉफिट लॉस में? प्रॉफिट लॉस, ओके, करेक्ट दिवेश, अमृता, इमान, दुरुस्त है। देखिए वैसे तो हमेशा जब भी रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है तो हम उसको लेके आते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस में, लेकिन क्योंकि ये रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट है तो हम डेबिट करेंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कितनी जमा हो चुकी थी,
क्रेडिट हम करेंगे लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितने से, रिकॉर्डेड था 25,200 पे, अब इसकी फेयर वैल्यू है 24,900, तो 300 से लीज होल्ड प्रॉपर्टी की कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे और बाकी इन दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंस होगा ये जाएगा प्रॉफिट लॉस में। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। तो क्योंकि इसने बताया कि पहले साल में ये डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ था यानी इंपेयर हुआ था, तो ये 1500 का बेसिकली रिवैल्यूएशन गेन नहीं है बल्कि रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस है। नेक्स्ट, ऑन्ड प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट 25% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, हमारे पास ऑन प्लांट की देखें वैल्यू कितनी है, 46,800 और एक साल पहले तक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 12,800। आरबीएम हमेशा नेटबुक वैल्यू पे लगता है, क्या गया हमारे पास ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपने रखी इसकी कॉस्ट, क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 46,800 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी गिवन है, 12,800। नेटबुक वैल्यू और इसने सिस्टम क्या बताया है, डेप्रिशिएटेड 25% पर एनम आरबीएम। तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे इस साल का, नेटबुक वैल्यू का 25%। इसकी डबल एंट्री लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल दबा के सेल वैल्यू दे दो और क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल दबा के सेल वैल्यू दे दो। ठीक है, इजी, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। नेक्स्ट, द राइट ऑफ यूज प्लांट वॉज अक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2007। कितने साल पुरानी बात है, 31 मार्च 2009, तो 8x9 दो साल पुरानी बात है। द रेंटल्स आर $6 million पर एनम फॉर 4 years, पेएबल इन एरियर्स ऑन 31st मार्च ईच ईयर। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज एट 8% पर एनम। Right of use plant is depreciated over the lease period. Lease period कितने साल का है?
करेक्ट, 4 years. तो हम अगर लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करें और राइट ऑफ यूज एसेट कैलकुलेट करें तो 8% का 4 साल का एनईटी फैक्टर यूज प्लांट इंस्टॉलमेंट हमने देनी है 6 मिलियन की. एनईटी फैक्टर आपने बताया 3.312. प्रेजेंट वैल्यू राउंडेड अप 20,000. इस फिगर को अगर आप थोड़ा और मुझे बताएं एनईटी फैक्टर कितना आ रहा है. फॉर्मूला चेक करें, मैंने लगाया है ठीक है, तो ये राउंडेड अप हो गया 20,000. ट्रायल बैलेंस में देखिए हमारा राइट ऑफ यूज एसेट कितने पे रिकॉर्डेड है, 20,000 पे. और इसको 1 साल गुजर चुका है तो स्ट्रेट लाइन में 1 साल से ये डेप्रिशिएट हो भी चुका है 5 मिलियन से. अब ये इस साल कितने से डेप्रिशिएट होगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 4 साल, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी 5,000 पहले है, 5,000 ये हो गई. नेट बुक वैल्यू कितनी होगी, 20,000 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000. क्या करेंगे, डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,000 से, क्रेडिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 5,000 से. जवेरिया इसमें देखें हमने लीज पे लिया है जिसकी 6 मिलियन हमारी इंस्टॉलमेंट है एवरी ईयर, और इसको हमने एनईटी फैक्टर लगाया 8% का. तो जब हमने फ्यूचर कैश फ्लो 6 मिलियन को मल्टीप्लाई किया एनईटी फैक्टर से तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 19,873. नहीं अमृता, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए डबल एंट्री रखता हूं ताकि आपका क्वेश्चन गलत ही सही लेकिन बैलेंस जरूर होगा. अगर आपने डबल एंट्री को सही रखा हुआ है तो क्वेश्चन गलत हो जाए बेशक लेकिन बैलेंस जरूर होगा. तो अल्टीमेटली इसके मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं. अच्छा जवेरी आप देखें, हमने एसेट को कितने पे रिकॉर्ड किया, 20 मिलियन पे रिकॉर्ड किया. इस साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की 20 मिलियन को डिवाइड किया 4 साल से, इससे पहले आप उसको 5 मिलियन से ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर चुके थे. तो नेट बुक वैल्यू कितनी आएगी, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. अच्छा अब आप दूसरे साइड पर रिकॉर्ड करेंगे लीज लायबिलिटी, ब्रॉट डाउन बैलेंस, इंटरेस्ट,
इंस्टॉलमेंट, सीआरपी, सीडी। तो ब्रॉट डाउन बैलेंस आपका ये आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली हुई है, इस पे लगाएंगे आप इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 8%। इंस्टॉलमेंट आप कितनी दे रहे हैं 6000, 6000 में से ये तो आपका इंटरेस्ट था पहले साल का, तो ओपनिंग बैलेंस में से हम माइनस करेंगे सीआरपी, ये बन जाएगी हमारी लायबिलिटी, ये हो गया हमारा पहला साल मार्च 28। अब हम आते हैं मार्च 29 पे, सीडी बैलेंस हमारा बीडी बन गया इक्वल, इस पे लगाया हमने 8%, इंस्टॉलमेंट हमारी 6000 की ही पेड है, इंस्टॉलमेंट से हमने इंटरेस्ट को हटाया तो बना सीआरपी, ओपनिंग बैलेंस में से सीआरपी माइनस की तो सीडी बैलेंस आ गया, एक्स खत्म हो गया वाई ईयर शुरू हो गया, तो तीसरे साल का सीडी इसका बीडी बन जाएगा, बीडी पे लगेगा 8% इंटरेस्ट, पेमेंट हम करेंगे 6000 में से इंटरेस्ट हम हटा देंगे तो बन जाएगा सीआरपी, बीडी में से माइनस करेंगे सीआरपी तो ये सीडी बैलेंस बन जाएगा। अगर हम सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मुकम्मल करना चाहें, क्वेश्चन आगे नहीं लेके जा रहा, सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए मुकम्मल कर रहे हैं इसको, ये लगा इसका 8%, आखिरी किस्त जमा कराएंगे 6000 की, 6000 में से इंटरेस्ट गया है बनी सीआरपी, ओपनिंग बैलेंस में से सीआरपी माइनस करेंगे तो राउंडेड अप हमारा बैलेंस आ गया 0। अच्छा, अब हमारी ट्रायल बैलेंस में देखो लायबिलिटी रिकॉर्डेड कब की है, फर्स्ट अप्रैल 20x8 राउंडेड अप ये रिकॉर्डेड है, यहां तक रिकॉर्ड हो चुका है। हमें अब अपने साल 20x9 को शो करना है, तो हम डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है, $1237 डेबिट करेंगे लीज लायबिलिटी जितने से सीआरपी हुई है, दूसरे साल की सीआरपी हुई है, और क्रेडिट करेंगे हम लीज पेमेंट 6000। ठीक है, अब हमारी बैलेंस शीट में क्या होता है, लीज लायबिलिटी को करंट और नॉन करंट में रखा जाता है, तो लीज लायबिलिटी का करंट और नॉन करंट क्या हिसाब बनेगा, हमारी अब लायबिलिटी ये है, इसमें से ये अगले साल की सीआरपी है, तो नेक्स्ट ईयर की सीआरपी हमेशा करंट बनेगी और नेक्स्ट ईयर का सीडी बैलेंस हमेशा नॉन करंट बनेगा, तो टोटल लायबिलिटी हमारी 10,700 पे दिखेगी। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो।
ठीक हो गया. सो वी आर डन विथ फर्स्ट नोट दैट वॉज रिगार्डिंग लीज होल्ड प्रॉपर्टी, सेकेंड नोट दैट इज रिगार्डिंग ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट, थर्ड नोट फॉर राइट ऑफ यूज. It says no depreciation has yet been charged on any non-current asset for the year ended 31st March 2009. All depreciation is charged to cost of sale. So, हमने depreciation charge करनी है ये तीनों. ओके, नेक्स्ट नोट नंबर टू पे आते हैं. ऑन 1st October 2008, कितना टाइम पुरानी बात है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. छह महीने पुरानी बात है. Pricewell entered into a contract to construct a bridge over a river. The performance obligation will be satisfied over time. The price agreed for the bridge is $50 million and the construction was expected to complete on 30th September 2000. The $14.3 million balance in trial balance is as follows. Upar aap dekh sakte hain. Hamare paas yahan pe hai contracts with customer 14.3. ये किस चीज का है? इसको ये बता रहा है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट पे 12 मिलियन का मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स लगा दिए हैं. स्पेशलिस्ट प्लांट है, खास प्लांट है जो हमने 1st October 2008 पे खरीदा है 8 मिलियन का, और कस्टमर ने हमें 5,700 पे कर दिए हैं. तो ये बेसिकली हमने क्या किया है, 12 मिलियन हमने खर्चा किया, 8 मिलियन प्लान लिया, उसमें से 5,700 हमें कस्टमर ने दे दिए, तो 14,300 ये आ गए. द सेल्स वैल्यू ऑफ द वर्क डन एट 31st March 2009 हैज बीन एग्रीड एट $22 million. ये हो गया हमारा वर्क सर्टिफाइड. And the estimated cost to complete, excluding plant depreciation, is $10 million. The specialist plant will have no residual value at the end of the contract and should be depreciated on a monthly basis. Price on an output basis, as determined by the agreed work to date compared to total contract price. So isne hame work certified basis pe stage of completion measure karne ko kaha hai. Pehla kaam hum IFRS 15 ke hisab se kya karte hain, hum dekhte hain overall contract ka kitna profit ya loss hai. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट से कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है या लॉस एक्सपेक्टेड है?
कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी एग्रीड है? 50 मिलियन माइनस करेंगे कॉस्ट इंकर्ड टू डेट। क्वेश्चन में बताया है अब तक हम इस पे 12 मिलियन का खर्चा कर चुके हैं, उसके अलावा प्लांट डेप्रिसिएशन अब तक आप कितने साल यूज कर सकते कर चुके हैं प्लांट को? थोड़ा एक्टिव रहिएगा, मुझे जवाब चाहिए। आपने प्लांट को खरीदा कब है? 1 अक्टूबर पे, और ये चलेगा कब कब तक? इसकी लाइफ है 30th September 2050 तक। कितने साल हो गए? दो साल। ओके, बेहतरीन। अब आप मुझे बताएं कि अब तक आप उसको कितना इस्तेमाल कर चुके हैं? अब तक प्लांट को कितने साल यूज कर चुके हैं? शारिक से 6 मंथ्स। ठीक है, बेहतरीन, 6 मंथ्स। तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे प्लांट की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। प्लांट है कितने का? 8 मिलियन का। मल्टीप्लाई किया आधे साल से, डिवाइड किया 2 साल से। तो हो गई इसकी अब तक की डेप्रिसिएशन। ऐड करेंगे फर्दर एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट। क्वेश्चन में बताया है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट इज 10 मिलियन। तो 10 मिलियन का खर्चा और लगना है, और प्लांट अभी कितने से डेप्रिशिएट होना है मजीद? करेक्ट, 8 मिलियन में से 1.5 साल और डेप्रिशिएट होना है आउट ऑफ 2 ईयर्स। तो ऐसा नहीं कि प्लांट आपने खरीदा है तो पूरे के पूरे प्लांट को आप इमीडिएटली एक्सपेंस मान लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉस्ट इंकर्ड टू डेट माइनस कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट। तो कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। ओके, ये हो गया पहला स्टेप। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मेजर करने का तरीका इसने क्या बताया, वर्क सर्टिफाइड। क्या आप मुझे बता सकते हैं अब तक कॉन्ट्रैक्ट कितना फीसद मुकम्मल हो चुका है? शारिक सेज 44%। एनीवन एल्स? ओके, 44, करेक्ट। आपने ये देखा अब तक हमने उनको इनवॉइस कर दिया 22%, $22 मिलियन आउट ऑफ $50 मिलियन।
तो इसको अगर हम परसेंटेज में रखते हैं तो इट इज 44%। अच्छा अब हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेप थ्री के फॉर द ईयर। पहले रखते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू टोटल कितना है 50 मिलियन मल्टीप्लाई आप इसमें से कितना अर्न कर चुके हैं 44%। इससे पहले सालों में कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका होगा, कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट किए हुए अरसा ही कितना हुआ है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को हुए ही 6 महीने हैं, तो इसका मकसद पिछले महीने में तो हमने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया होगा। तो इस साल हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ सेल को हम बैलेंसिंग फिगर लेंगे, प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है 20,000 मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन 8,800। इससे पहले सालों में कितना प्रॉफिट आ चुका है, कोई नहीं, तो टोटल प्रॉफिट में से जो पहले रिकॉर्ड हो चुका है उसको छोड़ के हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। तो इस साल हमारी कॉस्ट ऑफ सेल होगी 13,200 की, ये वो जाएगा जो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या दिखाओगे, उसमें एक तो दिखाते हैं रिसीवेबल। रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वर्क सर्टिफाइड टू डेट माइनस पेमेंट रिसीव्ड। तो हमने वर्क कितना इनवॉइस कितना किया हुआ है 22 मिलियन, और कस्टमर ने पेमेंट किया 5,700 की। अच्छा उसके बाद हम शो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट या लायबिलिटी। वो दिखाने का तरीका क्या था, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, अब तक हम कितना खर्चा कर चुके हैं, ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है 12,001 था, 2,000 और था 14,000, ये प्लस करेंगे प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड। अब तक हम कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर चुके हैं 8,800 का, लेस करेंगे प्रोग्रेस बिलिंग्स। तो हम कस्टमर को बिलिंग कितनी कर चुके हैं 22,000 की।
या क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट। Okay, तो हम डेबिट करेंगे रिसीवेबल 16,300, डेबिट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट 800, ट्रायल बैलेंस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर डेबिटेड था 14,300 से, क्रेडिट करेंगे हम प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस साल हमारा प्रॉफिट कितना रिपोर्ट होगा 8,800, और ट्रायल बैलेंस में जो कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर रिकॉर्डेड है वो है 14,300 का। ठीक है, अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है बाकी। सिक्स थाउजेंड का ये बना आपका प्लांट, प्लांट आपका आपने खरीदा हुआ है 8,000 का, माइनस वो अब तक डेप्रिशिएट हो चुका है 2,000 से, ठीक है। नेक्स्ट नोट पे आते हैं, नोट नंबर थ्री। प्राइस वेल्स रेवेन्यू इंक्लूड्स $8 million फॉर गुड्स इट सोल्ड एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर ट्रिबी। Pricewell earned a commission of 20% on these sales and remitted a difference of 4.6 which is included in cost of sale. To Trilby, हमने कमीशन कितनी कमाई 8 million dollars का, ट्वेंटी परसेंट $1.6 million, ठीक है अमृता। अच्छा अभी आप मुझे बताएं इसने क्या किया है, पूरे 8 million को अपना रेवेन्यू माना है और 6.4 million को अपनी कॉस्ट ऑफ सेल मानी है, क्या ये ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि एजेंट है, करेक्ट।
क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी कमीशन है उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। रेवेन्यू में से डेबिट कर देंगे जो हमारा हिस्सा नहीं है। देखिए आपने रेवेन्यू में कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, 8 मिलियन, जिसमें से 6.4 आपका नहीं है, तो 6.4 आपने रेवेन्यू से डेबिट कर दिया। और कॉस्ट ऑफ सेल में आपने किसी और की कॉस्ट दिखाई हुई है, वो आपकी कॉस्ट नहीं है, तो रेवेन्यू को जब आप माइनस करेंगे 6400 से, तो कमीशन में आपके 1600 ऑटोमेटिकली रह जाएंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट आ जाता है, नोट नंबर 4। द डायरेक्टर्स हैव एस्टिमेटेड द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एट $4.5 million। ओके, तो टैक्स चार्ज में हम क्या दिखाते हैं, एक तो इस साल का टैक्स कितना कैलकुलेट किया है, 4.5 million। दूसरा, द रिक्वायर्ड डेफर्ड टैक्स प्रोविजन एट 31 मार्च 2019 इज $5.6 million। ऑल एडजस्टमेंट टू डेफर्ड टैक्स शुड बी टेकन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अच्छा, कितनी है आपके पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, थी 8400 की, और अभी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है 5.6 की। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम हुई है, ज्यादा हुई है, 8.4 थी, 5.6 हो गई, कितने से डिक्रीज हुई है, 2800 से। तो लायबिलिटी को करेंगे डेबिट एंड प्रॉफिट लॉस को करेंगे क्रेडिट। लास्ट में कहा है द बैलेंस ऑफ करंट टैक्स इन द ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट्स द अंडर और ओवर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, पिछले साल की है। करंट टैक्स डेबिट पे है, क्रेडिट पे है, पिछले साल की अंडर प्रोविजन है। बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, एक तो आएगा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हमारे लायबिलिटी में बनेगा। दूसरा आएगा डेफर टैक्स, डेफर टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस था 8400 और माइनस इस साल कम हुआ है 2800 से, तो ये आ गया 5600 पे। डन विद वर्किंग्स। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पे।
ओके सबसे पहले आते हैं रेवेन्यू पे. रेवेन्यू ट्रायल बैलेंस में कितना है? $310 million. ये मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, $310 million. ठीक है, उसके बाद देखते हैं वर्किंग में कहां कहां रेवेन्यू में एडजस्टमेंट हुई है. यह आ गया कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर. तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का इस साल हम कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? $22 million का. ठीक है, सेल है M72. आप डायरेक्टली सेल वैल्यू डाल दें तो भी चलेगा. इक्वल इसको किया प्लस M72 कर दिया आपने. ठीक है, या दूसरा ऑप्शन था कि आप प्लस दबा के इसको सेल की तरफ डायरेक्ट करें और सेल को आप क्लिक कर दें, एंटर दबा दिया, ये आपके रेवेन्यू में ऐड हो गया. रेवेन्यू में दूसरी एडजस्टमेंट आप लोगों ने करवाई थी, यहां आपने रेवेन्यू को डेबिट करवाया था 6400 से, तो इसी को मैं प्लस करता हूं. फिर हम सेल की तरफ जाते हैं और मैंने इसको इनफैक्ट प्लस नहीं करना था, माइनस कर दिया और 6400 पे रख दिया. तो मेरा रेवेन्यू आ गया 325,600,000. दूसरा आएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे. कॉस्ट ऑफ सेल अक्सर लेंदी होती है तो इसकी हम वर्किंग दिखा देते हैं अलग से. कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले आप रखेंगे कि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है. यहां देखें अगर ट्रायल बैलेंस में तो ये रही कॉस्ट ऑफ सेल 234,500. अच्छा, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें एडजस्ट हो रही हैं. डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, एक तो हमने चार्ज करना है लीज होल्ड प्रॉपर्टी का, तो मैंने ये लीज सेल वैल्यू दे दी लीज होल्ड प्रॉपर्टी की. और डेप्रिसिएशन हमने इस साल लीज होल्ड प्रॉपर्टी की कितनी चार्ज की है? ये मैंने 1800 की वैल्यू उसको दे दी. दूसरा हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट की, इनको हमने किया था 25% आरबीएम पे, ये आके 25% आरबीएम पे 8500. तीसरा हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है राइट ऑफ यूज एसेट की, ये आ गया राइट ऑफ यूज प्लांट, और इसकी डेप्रिसिएशन है
5,000 ये हो गए इस साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। उसके अलावा हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट चार्ज करनी है, ऊपर हमने कैलकुलेट किया था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 13,200 की आई थी। तीसरा हमने एजेंसी की कॉस्ट ऑफ सेल चार्ज की हुई थी जो कि हमारे लिए नहीं थी, तो उसको हमने अपने कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस करना था। ये रहा 6,400 से हमने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल से इसको माइनस कर दिया। उसके अलावा हमारा एसेट जो रिवर्स हुआ था इंपेयरमेंट, पहला एसेट था ये, हमने 1500 क्रेडिट किए हैं कॉस्ट ऑफ सेल में। फिर भी एहतियातन आप एक दो लाइन छोड़ के इसको तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर बन रही है 255,100,000। यहां हमने इक्वल दबाया, वर्किंग दिखाने की या नोट लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर खुद ही जाकर ढूंढ लेगा। और उसको हम रख रहे हैं माइनस में। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इन सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, एग्जाम में भी ऑप्शन होगा, इसको आप फॉर्मेट करेंगे, अलग से डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसको नंबर को क्लिक करेंगे, डेसिमल प्लेसेस को जीरो करेंगे, सेपरेटर यूज करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो भी नेगेटिव बैलेंस होगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। मैं सिंपली प्लस करूंगा, माइनस वो खुद ही कर देगा। आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब आगे हम अगला डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ट्रायल बैलेंस में देखें हमें कितनी गिवन है, 19,500 और भी एडजस्टमेंट नहीं थी। उसके अलावा हमें गिवन है एडमिन एक्सपेंसेस, और वो गिवन है 27,500 के, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, माइनस में 27,500 हमने लिख दिए। नेक्स्ट हम आते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट देखिए यहां पे कहीं गिवन है, ट्रायल बैलेंस में ढूंढ के बताएं कहीं फाइनेंस कॉस्ट है। लेकिन हमने लीज के हिसाब से एक फाइनेंस कॉस्ट चार्ज की थी, ये हमने अमोर्टाइजेशन बनाई थी और हम ये दूसरे साल में थे, ये आ गई हमारे दूसरे साल की फाइनेंस कॉस्ट। इसके अलावा कोई अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट वगैरह कोई चीज नहीं है, तो फाइनेंस कॉस्ट है 1,237, ये हमने यहां शो कर दी 1,237। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
सम करेंगे, लेकिन ध्यान रहे ऊपर से नहीं आना, जीपी से आना, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में ऑलरेडी सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल हो चुका है। लास्ट फिगर आएगी टैक्स चार्ज, इसकी वर्किंग भी आप नीचे कर चुके हैं। इसमें इस साल का प्रोविजन था, पिछले साल का अंडर प्रोविजन था, और उसको भी मैंने रख दिया माइनस में, और डेफर टैक्स का रिवर्सल था। यह आ गया हमारा टैक्स चार्ज, काटने के बाद बाकी बचेगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इसमें कुछ भी नहीं है। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये सेम बन जाएगी। ठीक है, अब इसी का बनाएंगे हम। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अभी कैपेसिटी है, बना लो उसको। कैपेसिटी है तो बताएं, हम मैं इसको कंटिन्यू करूं। सजा दैट इज पॉसिबल, नॉट एन इश्यू। सिर्फ एक ख्याल करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन रिवाइज करना पड़ेगा, या कहो तो अभी कर लें। चले कर लेते हैं। अगर आप एक्टिवली नहीं देख सकते तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको जल्दी अपलोड कर दूं। ओके, सबसे पहले हम रखेंगे एसेट्स, एसेट्स में रखेंगे नॉन करेंट एसेट्स, और नॉन करेंट एसेट्स में हम रख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अब देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में है क्या क्या। मैं यहां लिख देता हूं टोटल पीपीई। एक हमारे पास आ गई लीज ओल्ड प्रॉपर्टी, दूसरा हमारे पास आ गया ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट, तीसरा आ गया राइट ऑफ यूज, इसको हम अलग दिखा देते हैं, और ये आ गया कॉन्ट्रैक्ट प्लांट। ठीक है, हम डायरेक्टली यहां पे इनकी नेटबुक वैल्यूज रख रहे हैं। लीजोल प्रॉपर्टी की आपने फेयर वैल्यू कैलकुलेट की 24,900। ऑन प्लांट की कितनी आएगी?
ऑन प्लांट की हमने कैलकुलेट की थी, थर्टी फोर थाउजेंड ये थी, माइनस इस साल की डेप्रिसिएशन 8,500, और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक प्लांट हमने लिया था 8,000 का, और अब तक हम इसको 2,000,000 से डेप्रिशिएट कर चुके थे, 6,000 का ये हो गया। ये इनको हमने समअप कर दिया, ये बन गई हमारी आई एस 16 के हिसाब से पीपीई की वैल्यू। उसके अलावा आपने शो करना है राइट ऑफ यूज प्लांट। राइट ऑफ यूज प्लांट की हमने वैल्यू कैलकुलेट की हुई थी, दस हजार। ठीक है, तो एक हमने रख दी इन्वेंटरी, दूसरा हमने रख दिया रिसीवेबल, ये दोनों ट्रायल बैलेंस में गिवन थे, और बैंक बैलेंस भी हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन था। बाकी कॉन्ट्रैक्ट एसेट के और कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल हमने दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, 8,800 का कॉन्ट्रैक्ट एसेट था और 16,300 का कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल था, इन सबको प्लस करें तो ये बनेंगे हमारे टोटल करंट एसेट्स। ओके, तो अगर हम करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को प्लस करें, ये हो गया हमारे नॉन करंट एसेट्स प्लस ये हो गया हमारे करंट एसेट्स। ठीक है, दूसरा पार आता है हमारे पास साइड इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। तो पहले हम रखते हैं शेयर कैपिटल। ट्रायल बैलेंस में देखिए शेयर कैपिटल कितना गिवन है, यह आ गया हमारा शेयर कैपिटल। उसके अलावा देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, शेयर प्रीमियम वगैरह कोई चीज हो। भाभी मेरी बच्ची के आवाजें आएंगी, वो टाइम ओवर हो गया, मुझे बुलाने आ गई है, तो फिर भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, यू कैन ऑब्जर्व इक्विटी में शेयर कैपिटल के अलावा शेयर प्रीमियम वगैरह कोई चीज नहीं है, रिटेन अर्निंग्स हैं। सो लेट्स कैलकुलेट रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स एज पर ट्रायल बैलेंस रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू कितनी है, 44,100। उसके बाद हमारा इस साल का आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये हमने इस साल प्रॉफिट कैलकुलेट किया था 19,861 का, इसमें से माइनस करेंगे इक्विटी डिविडेंड्स पेड, डिविडेंड्स हमने कितने पे किए थे, ट्रायल बैलेंस में गिवन है 8,000 के, तीनों को टोटल करते हैं, तो रिटेनिंग्स का बैलेंस हमारा राउंडेड अप आ रहा है 55,963। शेयर कैपिटल के बाद हमने डायरेक्टली रख दी रिटेन अर्निंग्स, और रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू हमने इंटीग्रेट कर दी यहां से,
बस इक्विटी में और तो कुछ नहीं है। ठीक हो गया। ये आ गया हमारी टोटल इक्विटी। अगला हम आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें एक हम सेक्शन रखते हैं लीज लायबिलिटी का, दूसरा हम रखते हैं डेफर टैक्स। लीज लायबिलिटी का नॉन करंट सेक्शन कितना था, ये हमारे पास मौजूद है 5556। ठीक है, और डेफर टैक्स लायबिलिटी हमारे पास मौजूद है, ये बिल्कुल हमने लास्ट में कैलकुलेशन की थी 5600 की। इसने ये बताया 5600 हमारी लीज लायबिलिटी की वैल्यू है, ठीक है, डेफर टैक्स की वैल्यू है। उसके अलावा कोई लायबिलिटी है नॉन करंट? आई गेस ये दो ही नॉन करंट लायबिलिटीज है, फिर भी एक लाइन छोड़ देते हैं। फिर आते हैं करंट लायबिलिटीज पे। करंट लायबिलिटीज में भी एक आ गई लीज लायबिलिटी, दूसरा हमारे पास आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स, तीसरा हमारे पास आएंगे ट्रेड पेएबल्स, लीज लायबिलिटी का करंट सेक्शन, यहां पे हमने शो किया होता 5144। प्रोविजन फॉर टैक्स हमने इस साल कितना बनाया था, 4500 का। और ट्रायल बैलेंस में देखें ट्रेड पेएबल्स कितने गिवन है, 33,400। ओके, सो सॉरी, करंट लायबिलिटीज को हम यहां पर रख लेते हैं और इनका टोटल लेते हैं। ये आ गया, अब हम प्लस करते हैं, ये आ गया इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, आई बिलीव कहीं राउंडअप की वजह से शायद ये फर्क है, ये है 1,50,300 और ये 1,50,163, 137 रुपीज का कहीं फर्क आ रहा है।
ठीक है, 137 की ऐसा कोई फिगर नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली इसके 8% इंटरेस्ट की वजह से होगी। इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम 20,000 लेते थे, मैं आई एम जस्ट मेकिंग दिस करेक्शन, अगर हम यहाँ पे 20,000 लेते थे, क्योंकि हमने क्या किया, लायबिलिटी को यहाँ पे ना राउंड अप नहीं किया है, इट वॉज 19,873। अगर हम राइट ऑफ यूज एसेट को, क्योंकि डेबिट साइड पे हमने 20,000 राउंड अप किया हुआ है, मैं इसको राउंड अप नहीं करा, मैं सिर्फ एक फिगर को करेक्ट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं पूरा मेरा सोल्यूशन ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। ठीक है, तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू आई थी दैट वाज 19,873, और जबकि इसमें ट्रायल बैलेंस में 20,000 राउंड अप किया हुआ था, तो वो डिफरेंस हमारी वजह से आ रहा था। जब मैंने इसको राउंड अप किया तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें ठीक हो गई और हमारी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। ठीक है, चले, ये वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। बड़ा लेंदी था और इसमें चीजें भी अच्छी अच्छी आ गई थी। IFRS 16 भी आ गया दो बार और IFRS 15, इनफैक्ट IFRS 15 दो बार आ गया, 16 एक बार आ गया, और डेप्रिसिएशन वगैरह, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, तो इसको आप एक नजर अच्छे से वापस प्रैक्टिस करना और कोशिश करना कि ये पूरा क्वेश्चन आप भी एक्सेल पे एक बार सॉल्व करके देखें, सो दैट आपको फिर पता चलेगा कि डूज एंड डोंट्स क्या है, ऐसे आपको नहीं पता चलेंगे। ठीक है, चल इंशाल्लाह फिर अपनी कल की क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।